टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान एक गंभीर बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख पा रही हैं। हिना ने अपनी तबीयत के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वो अजवा खजूर हाथ पर रखकर दिखाती हुई नजर आईं। इस फोटो के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी इस गंभीर बीमारी के बारे में इत्तला करते हुए बताया कि फैंस इसका घरेलू इलाज बताएं। आइए जानते हैं कि हिना खान को रमजान में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है। हिना ने बताया कि उन्हें गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज यानी कि गर्ड है और रोजा रखने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स से परेशान हूँ, अगर रमजान में रोजा रखूंगी तो ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। मॉम कहती है कि अजवा खजूर खाने से आराम मिलेगा। इसके बाद हिना ने लिखा, क्या आप लोग मुझे कोई घरेलू इलाज या नुस्खा बता सकते हैं, प्लीज कॉमेंट करके बताइए, डीएम न करें वरना आपके सजेशंस मुझे नहीं मिल पाएंगे। वही आपको बता दें कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज में पेट में बनने वाला एसिड फूड पाइप में जमा होने लगता है। ये एसिड फूड पाइप में लंबे वक्त तक रहने की वजह से फूड पाइप लीक हो जाती है। इससे खाना डाइजेस्ट होने की प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसकी वजह से सीने में जलन, खट्टी ढकार की परेशानी रहती है। अगर लंबे वक्त तक गर्ड का इलाज नहीं किया गया तो ये अल्सर या कैंसर जैसे विकराल परेशानी का भी रूप ले लेती है। गर्ड होने की वजह होता है शरीर में मोटापा बढ़ना, मसालेदार, खट्टा और फैट युक्त भोजन करना, स्मोकिंग या अल्कोहल लेना, चाय, कॉफी, शराब या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करना। प्रेगनेंसी में गर्ड की दिक्कतें ज्यादा रहती हैं। वहीं गर्ड के लक्षणों में सीने में जलन, हार्टबर्न, खट्टी ढकार, ब्लोटिंग, सूजन, उल्टी या मतली, पेट में दर्द आदि। घरेलू उपाय की बात करें तो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होने पर आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। आप आधा कप खाने से पहले एलोवेरा जूस पी लें, एक ग्लास पानी में एक चम्मच रॉ और बिना फिल्टर वाला ऑर्गेनिक एप्पल साइडर मिलाकर खाने से पहले और बाद में पी लें, इससे भी काफी आराम मिलता है। पपीते में पपाइन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में ये मदद करता है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करें। जिंक से भरपूर चीजें खाएं जैसे कि काजू, बीन्स और दही। साथ ही ऐसे फूड्स का ज्यादा सेवन करें जिसमें ग्लूटामाइन और एमिनो एसिड भरपूर मात्रा में हो, जैसे फ्रूट, अंडे और सब्जियां। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।